तो नमस्कार दोस्तों, आज ऐसी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत नहीं है, बल्कि आज आपका एक नेल पॉलिश की फैक्ट्री के अंदर स्वागत है। क्योंकि आज यहाँ पर मुझे कंप्लेंट मिली है कि हमारे नीचे के फ्लोर की लाइट आ रही है, लेकिन ऊपर के फ्लोर में लाइट नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने एक ट्यूबलाइट जलाने की कोशिश किया और वहां से भड़ाक बोल गया। भड़ाक बोलने के बाद में क्या हुआ कि उस कमरे की जो लाइट है वो चली गई, डाउन हो गई। और मेन एमसीबी बॉक्स है इनका, वहां पे जाकर के इन्होंने एक एमसीबी जो गिर गई थी उस ट्यूबलाइट को ऑन करने की वजह से, उसको जब उठाया तो सारे कमरों की लाइट, पहले एक ही कमरों गई थी, उसके बाद में सारे कमरों की लाइट चले गए। तो ये फॉल्ट क्यों पड़ा हुआ है? और इसके साथ ही दोस्तों एक फॉल्ट और पड़ा है कि इनकी जो वेल है वो बजते जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं लेती है। चलिए इन सब फॉल्टों को हम चेक करते हैं, और फॉल्ट को चेक करने के बाद में इनको किस प्रकार से ठीक किया जाएगा, कैसे चेक किया जाएगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को देते हैं इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला फॉल्ट ये है कि यहाँ पर एक वेल लगी हुई है, स्विच है, वो नीचे लगा हुआ है, तो बिना दबाए वो, मतलब ये हमारी घंटी इस तरह से बोल रही है, उसके दबाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये फॉल्ट आखिर क्यों हो रखा है, कहाँ से ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है? और दूसरा फॉल्ट एक और आया हुआ है यहाँ पे कि मतलब यहाँ की लाइट नहीं आ रही है, यानी कि हमें इस समय दूसरे फ्लोर पे हूँ तो दूसरे फ्लोर की लाइट नहीं आ रही, बल्कि नीचे वाले लाइट आ रही है। चलिए जहाँ पर फॉल्ट पड़ा है पहले आपको हम वहां ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर फॉल्ट क्या है। आ जाओ, ये कमरा है और ये बोर्ड है, बता रहे हैं कि इसके अंदर हमने जो कि ये ट्यूबलाइट का ये बटन ऑन किया है, और बटन ऑन करने के बाद में ये ट्यूबलाइट ऊपर लगी हुई है, इसकी बटन है ये, इसको ऑन करने के बाद में ही हमारे जो कि इस कमरे की हॉल की लाइट पूरी तरह से चली गई है, हैं। और जाने के बाद में जब हमने दोबारा से जाकर के उसको उठाने की कोशिश किया, यानी कि जो सिंगल एमसीबी गिरी थी हैं, उसको उठाने की कोशिश किया, उसके बाद हमारी सारी लाइट चली गई। तो इस प्रकार से इनका कहना है। तो किस प्रकार से इसको चेक किया जाता है, चलिए आ जाइए नजदीक, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके सामने कुछ ऐसा फॉल्ट आए कि मतलब किस प्रकार से चेक करना चाहिए, कैसे पता लगाना चाहिए, तो आपके मान लीजिए कि कंप्लेंट है कि स्विच को दबाने से ही हमारी जब लाइट गई है, एमसीबी ट्रिप हो रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो स्विच है इस ट्यूब लाइट का उसके वायर को यहां से निकाल देना। जैसे कि ये वायर है हमारा इधर से तीसरे नंबर पे है, तो इसके जो वायर है दोस्तों इसको हमें निकाल देना है बाहर, जिस स्विच का जो ट्यूबलाइट का ऊपर से आया हुआ है, ठीक है। इसको निकाल करके आपको सिंपली पहले इस तरह से अलग कर देना है, हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो ट्यूबलाइट होती है ये, मतलब इसकी जो चौक लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक चौक लगी हुई है, देख सकते हैं इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक चौक लगी हुई है, तो इलेक्ट्रॉनिक चौक लगने की वजह से ये अंदर से ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट जब हो जाएगा, है, न्यूट्रल फेस जहां पे कनेक्ट होता है इस चौक के अंदर में, तो वहां पे जो कंपोनेंट होते हैं आपस में शॉर्ट कर जाते हैं, यानी कि न्यूट्रल फेस आपस में ज्वाइंट हो जाता है। ज्वाइंट होने की वजह से जब आप इसकी स्विच को ऑन करेंगे तो यहां से शॉर्ट सर्किट बताता रहेगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले यही काम करना है कि जिस भी लाइट से, चाहे आपके ट्यूबलाइट है, चाहे पंखा है, चाहे मोटर, कुछ का भी तार है, तो सबसे पहले आपको उसको अलग कर देना है। अगर आपकी एमसीबी स्विच दबाने से ट्रिप हो रही है, तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, और उसके बाद चलना है अपने एमसीबी के पास में। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। और उसके बाद आ जाइए अपने एमसीबी के पास में। एमसीबी के पास आकर के आपको क्या करना है, फिर से आपको अपनी जितनी भी एमसीबियां हैं इन सबको उठा देना है, इस प्रकार से सबको उठा देना है। और आपका गाना बज रहा है तो बजने दीजिए, कोई बात नहीं, इसकी प्रॉब्लम थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं अपने जहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट हुआ वहाँ पे, क्या वहाँ पे लाइट पहुँची है या नहीं, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं पहले, और दूसरे आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि जितनी एमसीबियां यहाँ लगी हुई हैं ये सारी की सारी, क्या इनके अंदर फेस का करंट पहुँच रहा है या नहीं। उसको चेक करने के लिए आपको टेस्टर का इस्तेमाल करना है। टेस्टर आपको इस प्रकार से सबके अंदर लगा लगा के देख लेना कि सब में आपके जो कि फेस है वो पहुँच रहा है या नहीं। देख सकते हैं सबके अंदर फेस पहुंच रहा है, और ऊपर में एमसीबी का ये जो पॉइंट है इसके ऊपर में आपके दोनों में फेस नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं इसके अंदर दोनों में फेस है, देखिए यहाँ भी फेस है और यहाँ भी फेस है। ऐसे में क्या होगा कि आपके हॉल है यहाँ पे लाइट जलेगी नहीं, केवल उसके अंदर फेस सभी पॉइंटों के अंदर बताता रहेगा। आपको यकीन नहीं है, चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। आइए, अरे यार बनियान उनियान में पूरी दुनिया देखेगी तुम्हें, पूरी दुनिया देखेगी तुम बनियान में घूम रहे हो नंगे।
तो मैं आपको किसी भी बोर्ड के अंदर चेक करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे जो कि देखिए फेस बता रहा है, यहाँ पे देखिए टेस्टर जल रहा है और इसके स्विच के जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर भी फेस हमारा जल रहा है क्योंकि एमसीबी से ही न्यूट्रल नहीं आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट के अंदर तो यहाँ पे भी आपको वही चीज नजर आएगी, देखिए यहाँ पे भी आपको फेस नजर आ रहा है और इस वाले पॉइंट में भी आपको फेस नजर आ रहा है। हालांकि ये फेस नहीं है, ये मतलब जो हमारा फेस एक तरफ से आ रहा है वही दूसरी तरफ यानी कि हमारे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लगे हुए हैं उनके अंदर से घूम करके वही करंट आकर के न्यूट्रल वाले पॉइंट पे भी अटैच हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जब न्यूट्रल नहीं आएगा तभी ऐसी दिक्कत आती है कि इसके अंदर फेस नहीं आता है। बाकी इसको ठीक करने के लिए आपको यहां से नहीं, अपने जो ये शॉर्ट सर्किट ना हो उसके लिए तो हमने ये वायर को निकाल दिया यहाँ से, लेकिन अब इसको प्रॉब्लम को ठीक करना है कि इसके अंदर मतलब जो ये दोनों में लाइट बता रहा है हमारा टेस्टर तो ये कैसे ठीक होगा। इसको ठीक करने के लिए आपको एमसीबी के पास जाकर के वहां पे न्यूट्रल की जो कमी हो रही है उसको पूरा करना पड़ेगा। वो कमी दोस्तों कैसे पूरी होगी, एमसीबी भी खराब हो सकती है और हो सकता है नीचे से जहां से इसका न्यूट्रल का वायर आया हुआ है, फेस का वायर आया हुआ है, वहां से भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह से भी वहां से न्यूट्रल नहीं आएगा तो भी आपके एमसीबी के अंदर न्यूट्रल नहीं बताएगा। तो दोस्तों ये दोनों जगहों पर आपको चेक करना पड़ेगा, पहला एमसीबी के पास, दूसरा अपने जहां से वायर उसकी आई हुई है वहां पे, हो सकता है कहीं बीच में वायर भी फॉल्ट हो सकता है। चलिए वहीं पे चेक करते हैं अब। दोस्तों सबसे पहले इस गाने को बंद करते हैं, कौन से बंद होगा देखिए। हाँ जी, तो ये एमसीबी गिराने के बाद में ये बंद हो गया, इसकी आवाज बंद करना जरूरी था क्योंकि नहीं बंद करेंगे तो फिर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पे हमें दोस्तों सबसे पहले चेक करना है कि क्या यहाँ जो नीचे वाला ये पॉइंट है, क्योंकि न्यूट्रल फेस जब भी लगाया जाता है एमसीबी के अंदर, जैसे हमारे एमसीबीओ के अंदर हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमारी मेन एमसीबी कौन सी है जिसके अंदर न्यूट्रल और फेस लगा हुआ है। तो देख सकते हैं ये डबल पोल की एमसीबी लगी हुई है, इधर सारी की सारी ये सिंगल पोल की एमसीबियां हैं। तो डबल पोल की जो एमसीबी होती है इसी के अंदर न्यूट्रल और फेस लगाया जाता है। तो नीचे के जो पॉइंट होते हैं एमसीबी का वो इनपुट होता है दोस्तों और ऊपर वाला जो कि आउटपुट होता है। तो नीचे वाले में आपका पहले न्यूट्रल और फेस आएगा तभी ऊपर में ऑन करने के बाद में पहुंचेगा। तो इसे एमसीबी के ऊपर वाले दोनों पॉइंटों के अंदर हमारा फेस बता रहा है, नीचे वाले में दोनों में फेस आ रहा है या एक ही में आ रहा है ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों नीचे वाले में आपका भी इसके अंदर भी दोनों में फेस ही बता रहा है, देखिए नीचे वाले में भी फेस बता रहा है दोनों के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एमसीबी खराब नहीं है। अगर आपकी लाइट यहाँ पे, इसको बंद कर देते हैं, इसका मतलब ये है दोस्तों जब आपके नीचे वाले पॉइंट में भी दोनों में फेस बता रहा है टेस्टर, ऊपर वाले में दोनों में फेस बता रहा है और पूरे घर के अंदर सभी पॉइंटों में फेस बता रहा है, इसका मतलब है कि शॉर्ट सर्किट तो हुआ है, लेकिन आपके ना ही तो एमसीबी के अंदर कोई दिक्कत है ना ही तो आपके यहाँ पे पूरे घर के अंदर कहीं पे कोई मतलब शॉर्ट सर्किट के अलावा हो सकता है ट्यूबलाइट की जो चौक है वो खराब हो, बाकी एमसीबी और किसी पॉइंट के अंदर कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं आई है। हालांकि हमने जो ट्यूबलाइट की वायर है उसको हमने निकाल दिया अलग। तो आपको चेक करने के लिए, इन सब को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारी एमसीबीओ को पहले आपको उठा देना है इस तरह से, ठीक है, या उठा दीजिए या तो इसको नीचे गिरा दीजिए एक को, और इसके बाद में आपको नीचे जहां से ये वायर आई हुई है नीचे वाले पॉइंट से है, तो इस एमसीबी को गिराने के बाद में आपको ये जो वायर जहां से आई हुई है देख सकते हैं ये जो नीचे से इस पाइप के अंदर से वायर निकली हुई है, तो इस वायर को आपको ढूंढना है कि ये वायर कहाँ से आई है। उस पॉइंट को आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वहां तक न्यूट्रल और फेस पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों फेस तो यहाँ तक पहुंच रहा है पर न्यूट्रल नहीं आ रहा है। तो न्यूट्रल कहाँ से ब्रेक हो सकता है, जो मेन एमसीबी लगी हुई है ग्राउंड फ्लोर पे उसके ऊपर ये फॉल्ट पड़ा हुआ हो, वहां पे स्पार्किंग हुई हो, दोस्तों वहां पे हमें चल के चेक करना पड़ेगा कि वहां पे न्यूट्रल पहुंच रहा है या नहीं। चलिए वहीं चलते हैं सीधे। तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर की जो एमसीबी लगी है वो यहाँ पे लगी है और यहीं से जो न्यूट्रल फेस की ऊपर वाले फ्लोर की वायर है यहीं से गई हुई है। तो दोस्तों वो वायर जो कि यहाँ एमसीबी के अंदर भी आई हुई हो सकती है और जो वायर है वो मीटर के पास भी गई हुई हो सकती है। तो आपको पहले जैसे किसी को खोलना पड़ेगा उससे पहले यहाँ बाहर में मीटर लगा हुआ है जिसको हमें चेक कर लेना है एक बार कि क्या यहाँ पे दोनों वायर तो नहीं आई हुई है। तो यहाँ पर तो एक ही वायर है, ये 6 mm की वायर लगी हुई है, तो यहाँ पे सिंगल है ये, इसका डबल अगर हुआ है तो अंदर ही हुआ, तो इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। आ जाओ, तो इस एमसीबी बॉक्स को हम खोलेंगे, दो एमसीबी लगी हुई है डबल पोल की, इसमें देखते हैं कि कौन सी, क्या यहीं से दो दो एमसीबी तो नहीं गई है ऊपर में। इसको हम यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे, एमसीबी ट्रिप करती है तो करने दीजिए। तो ये है नीचे ग्राउंड फ्लोर की एमसीबी, ठीक है, इसको हमने खोल लिया है और यहाँ से देख सकते हैं ये एमसीबी जो कि यहाँ से टूटी हुई है, थोड़ी सी क्रैक हो रखी है, क्यों हो रखी है ये देखने वाली बात होगी। बाकी इसका जो वायर वगैरह है यहाँ पे तो ये थोड़ा लूज सा नहीं है, है, और इसके अंदर दोस्तों ऊपर की जो वायर आई हुई है ऊपर वाले फ्लोर से वो कौन सी है, वो यही वाली है, देखिए यही वाली है,
ठीक है। तो ये माइफेक्स की एमसीबी इसमें लगी हुई है, इसको हम चेक करते हैं बाहर से न्यूट्रल और फेस आ रहा है दोनों के अंदर या नहीं, तो देख सकते हैं इसके अंदर तो फेस नहीं बता रहा है, इसके अंदर फेस बता रहा है, ठीक है। और इसके अंदर फेस नहीं बताना चाहिए, नहीं बता रहा है, और इसके अंदर फेस बता रहा है, ठीक है। तो इसको चालू करने के बाद में ऊपर वाले में इसमें फेस नहीं बताना चाहिए, इसके अंदर फेस बताना चाहिए। तो यहाँ तक तो करंट आ रहा है, और इसके अंदर देखते हैं हम तो यहाँ पे फेस नहीं बता रहा है, यहाँ पे फेस बता रहा है। तो इसका मतलब नीचे की जो एमसीबी है ये तो ठीक है, लेकिन ऊपर में जो वायर गया हुआ है हमारा ये है, तो वो कौन सा वायर है ये देखने वाली बात होगी। ऊपर में हमने देखा था रेड वायर था, इसके अंदर हम देखते हैं ये सारी एमसीबियों से अगर गया हुआ होगा, बिकॉज एमसीबी तो नहीं गया होगा, डायरेक्ट ही जाता है, रेड नहीं ब्लैक वाले ही होंगे, क्योंकि दो दो उधर भी लगे ब्लैक। नीचे में डबल तार लगी हुई है, डबल तार एक तो इसकी है, तो यहाँ से कई बार ऐसा होता है कि एमसीबी जो हमारी होती है तो ये भी कई बार थोड़ी सी स्पार्किंग कार्बन हो पड़ जाता है इसके अंदर, इसको दो तीन बार उठा करके गिरा करके देख लेना चाहिए, और ऊपर जा करके हम एक बार चेक करते हैं कि क्या वहाँ पे जो प्रॉब्लम है कुछ फर्क पड़ा उसके अंदर या नहीं। तो नीचे में जो एमसीबी लगी थी वहाँ पे डबल एमसीबी लगी हुई है एमसीबी बॉक्स में, तो देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल फेस नहीं आ रहा था, और अभी जो है कि ये आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है और यहाँ पे फेस बता रहा है। चलिए इसको एक बार टेस्ट लैंप से चेक करते हैं, न्यूट्रल फेस पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से पहुँचा या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ तक पहुँच गया है, अभी हम इस एमसीबी को उठाते हैं। देखिए एमसीबी को हमने उठाया, और ऊपर वाले पॉइंट में एक में फेस आना चाहिए और एक में नहीं आना चाहिए, देख सकते हैं नहीं आ रहा है, और बाकी इन सब के अंदर फेस हमारा पहुंचना चाहिए। देखिए तो ये प्रॉब्लम दोस्तों नीचे की जो एमसीबी थी वहीं से जो न्यूट्रल ब्रेक हो रहा था, एमसीबी के अंदर से ही कार्बन वगैरह पकड़ लिया था, इस वजह से न्यूट्रल नहीं आ रहा था। बाकी अभी यहाँ पे न्यूट्रल आ गया है, और हमारे कमरों की जो लाइट है वो भी जल गई है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए एमसीबी को ऑन करते ही लाइट चालू हो गई है, इधर ये पंखा भी जगने लग गया है, जलने लग गया है, और इधर कोई लाइट नहीं है, नहीं तो मैं आपको जला के दिखाता। बाकी यहाँ पे आ जाइए, अब इस बोर्ड की हमें रिपेयरिंग करनी है कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, जो ट्यूबलाइट हमारा जो शॉर्ट मार रहा था मार दिया है, उसके अंदर क्या दिक्कत है, यहाँ तक न्यूट्रल फेस पहुँचा कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे फेस आ गया, यहाँ पे न्यूट्रल आ गया है, इसके अंदर हम चेक करते हैं बाकायदा। देखिए न्यूट्रल फेस दोनों आ गया है, अब बाकी इस ट्यूबलाइट के अंदर क्या दिक्कत है दोस्तों। इस तरह से जो न्यूट्रल की प्रॉब्लम थी वो तो एमसीबी को ऊपर नीचे करने से ठीक हो गई है। ऐसे मामलों में कई बार ऐसा भी होता है कि एमसीबी बदलनी पड़ जाती है, एमसीबी अंदर से कार्बन उसका ज्यादा पकड़ लिया होता है, या एमसीबी का जो एक पॉइंट होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रल नहीं आता। तो ऐसे में आपको एमसीबी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीबी उसकी दूसरे नंबर पर जो एमसीबी लगी है वही थी, ठीक है। तो उसको जो हमने ऊपर नीचे किया है तब वो उसका जो कार्बन था वो हट करके, कार्बन हट करके वो कंटिन्यूटी देने लग गया है, और करंट हमारे यहाँ तक जो न्यूट्रल नहीं आ रहा था वो आ गया है, सभी पॉइंटों के अंदर करंट हमारा पूरी तरह से पहुंच रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों चेक करने वाली बात ये है कि जो हमारे ये ट्यूबलाइट लगा हुआ है इसकी वजह से जो ये शॉर्ट सर्किट हुआ था ये क्यों हुआ था, क्या चौक खराब है। तो चौक को चेक करने के लिए आपको इस तरह से टेस्ट लैंप का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए नजदीक में आपको दिखाते हैं कैसे चेक करना है। तो टेस्ट लैंप का जैसे कि आप देख सकते हैं सीरीज लैंप नहीं है, सिंपल सा ये तार का टुकड़ा है जो बल्ब होल्डर के अंदर हमने लगा रखा है, तो इसके अंदर हमें लगा लेना है कुछ इस प्रकार से। और एक तार को तो आपको अपने स्विच के पॉइंट पे लगाना है जहां पे आपका फेस कनेक्ट होता है, चाहे इस पे लगा लीजिए, बटन चालू करके लगाएंगे तो इस पे लगा लीजिए, नहीं चालू करते हैं तो इस पे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हमें चेक करना है कि हमारी जो ट्यूबलाइट है वो शॉर्ट है या नहीं है, डायरेक्ट तो नहीं होगी कहीं अंदर से शॉर्ट होकर के। दोस्तों इसको चेक करने के लिए आपको एक तार इस पे लगाना है और आगे एक तार आपको इसके ऊपर लगाना है, इस वायर के ऊपर जो हमने निकाला है स्विच के अंदर से। अब इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, होगा ये कि जैसे कि मान लीजिए इसके ऊपर वायर लगाने से अगर आपका चौक ट्यूबलाइट वगैरह सब कुछ ठीक होगा, तो इसके ऊपर तार लगाने से आपका जो ट्यूबलाइट है ये जल जाएगा, है यानी कि इससे रोशनी आने लग जाएगी। और अगर ये खराब होगा तो यहाँ पे जब आप इस वायर को लगाएंगे तो वायर लगाने के बाद में आपका ये बल्ब दोस्तों पूरी तरह से ग्लो करने लग जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो ये ट्यूबलाइट की जो चौक है दोस्तों ये पूरी तरह से शॉर्ट हो रखी है। तो इसकी स्थिति में आपको इसका कनेक्शन कट कर देना चाहिए, या तो चौक चेंज करना चाहिए या तो ट्यूबलाइट को चेंज कर देना चाहिए। चलिए इसको चेक करते हैं, यहाँ पे इसको एक वायर को हम यहाँ पे लगाएंगे
और एक वायर को हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा जो बल्ब है दोस्तों ये पूरी तरह से ग्लो कर रहा है, है? ऐसे में अगर ट्यूबलाइट का चौक अगर ठीक होता तो ये ट्यूबलाइट पूरी तरह से जल जाती जब हम इस वायर को इसके अंदर लगाते। तो ये जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसकी जो ट्यूबलाइट के अंदर जो चौक लगी हुई है वो शॉर्ट है, है? इसका जो कंपोनेंट्स है अंदर से खराब हो गए हैं, फूक गए हैं, जिसकी वजह से कि लाइन जो कि डायरेक्ट हो जा रही है जब बटन को दबाते हैं और सारी की सारी लाइट एमसीबी नीचे तक 32 एम्पेयर की एमसीबी जो है कि ट्रिप कर जा रही है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको इसी प्रकार से चेक करना चाहिए, फॉल्टों को क्या पता लगाना चाहिए और इनका सोल्यूशन करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपने जाना किस तरह से हम इन फॉल्ट को पता लगाते हैं, कैसे हम ट्यूबलाइट वगैरह हमारी अगर कोई खराब हो जाए या शॉर्ट सर्किट कहीं पे हो रहा किसी बटन को दबाने से उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने ये जाना और भी एक काम और भी बाकी है कि यहाँ पे बेल स्विच जो है बिना दबाए बेल बज रही है, यानी घंटी बज रही है, हालांकि अभी नहीं बज रही है वो, है अभी बंद हो गई है पूरी तरह से, है ना, बंद हो गई है ना, हाँ अभी बंद हो गई है। तो क्यों बंद हुई है चलिए वो भी हम आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं थोड़ी देर में। बाकी पहले हम इसको बंद कर देते हैं। इसको करने के लिए या तो इसकी ट्यूबलाइट को आप जो कि यहाँ से कनेक्शन काट दीजिए या तो यहाँ पे दूसरी ट्यूबलाइट लगाइए, उससे पहले आप इस स्विच को लगाते हैं तो इस स्विच को ऑफ कर दीजिए नीचे से, इस स्विच को यहाँ से आप ऑफ स्विच को यहाँ से ऑफ कर दीजिए, उसके बाद में आप इस स्विच को जो कि यहाँ पे लगा लीजिए। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि इसको लगाने से पहले आपको ज्यादा बढ़िया रहेगा कि इसके जो कनेक्शन है यहाँ पे लगा हुआ है इसको आप कट कर दीजिए, उसके बाद इसको अंदर लगाइए, ठीक है। ठीक है, ये चौक खराब हो गया है, शॉर्ट हो गया है, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी अब इसकी वायर को हम इसके अंदर लगा देंगे और इस बोर्ड को बंद कर देंगे, हमारे यहां तक की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है। पेंच का है। तो इस बोर्ड को हमने बंद कर दिया है, अब यहाँ पे दूसरा जो लाइटें हैं वो हम जला सकते हैं, चालू कर सकते हैं, देख सकते हैं पंखा इसका चलने लग गया है, हैं? और दोस्तों इसकी जो बटन है ये ट्यूबलाइट वाली, ये जो ट्यूबलाइट वाली बटन है इसको हम ऑन करते हैं तब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, एमसीबी ट्रिप नहीं करेगी। चलिए ये देखिए बल्ब यहाँ पे जल रहा है इस कमरे का। अब यहाँ पे आ जाती है कि जिसका बेल था जो घंटी थी वो जो बजते जा रही थी रुकी नहीं रही थी, तो वो अब कैसे रुक गई है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं क्योंकि इस इलाके में पूरे में फेस पहुंच रहा था, ठीक है, और सब जगह में फेस होने की वजह से आपका जो ये वेल है इसके अंदर भी आपका फेस पहुंच रहा था, इसका एक वायर नीचे तक गया हुआ है, यानी कि एक वायर इस वेल का हमारे वेल स्विच तक जो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा वेल स्विच लगा हुआ वहां तक पहुंचा हुआ है, और वहां तक लंबा वायर होने की वजह से एक वायर के अंदर क्योंकि बारिश का मौसम इस समय चल रहा है तो जो एक सिंगल वायर वहां तक पहुंची हुई है तो उसके अंदर अर्थिंग बन रही थी, ठीक है, अर्थिंग बनने की वजह से जिसके अंदर फेस आता है उसके अंदर अर्थिंग बन रही थी, और अर्थिंग बनने की वजह से ये वेल जो कि दोस्तों हल्के से अर्थ पा के भी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वेल होती है ये थोड़ा सा अर्थ पाएगा या थोड़ा सा फेस पा जाएगा, 50 वोल्ट फेस पा जाएगा तो ये दोस्तों बजने लग जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, इसके अंदर सेल पहले से लगे हुए होते हैं। दोस्तों ये बेल बजना कोई नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, अर्थ है क्योंकि बरसात के अंदर अक्सर बिना बटन दबाए क्योंकि स्विच के अंदर जब पानी चला जाता है तब भी ये बेल हमारी बजने लग जाती है अपने आप। तो दोस्तों यहाँ की जो प्रॉब्लम है अब वो ठीक हो गई है, ये देख सकते हैं सारी की सारी जो एमसीबियां हैं अब ये नहीं ट्रिप कर रही है, और वहां पे जो ट्यूबलाइट की जो प्रॉब्लम थी उसको हमने वायर को कट कर दिया है, वहां पे कहेंगे मालिक यहाँ के तो उसको ट्यूबलाइट नया लग जाएगा, बाकी हमारा काम कंप्लीट हो गया है। नीचे की जो एमसीबी थी उसके अंदर कार्बन पकड़ लिया था जिसकी वजह से कि यहाँ पे न्यूट्रल नहीं पहुंच रहा था, क्यों, क्योंकि वहां से शॉर्ट सर्किट हुआ था, जोर पड़ा था वहां पे, स्पार्किंग हुई थी और उठने के बाद में भी एमसीबी करंट पास नहीं कर रही थी, ठीक है। तो चलिए हमारा काम कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए नमस्कार, जय श्री।